आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। देश के कई राज्यों में इस वक्त यहाँ पर ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर की आशंका है। उत्तर भारत के कुछ स्थानों पर बारिश और पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं यहाँ पर बर्फबारी होने की सूचना यहाँ पर है। वही कड़ाके की सर्दी के कारण कई इलाकों में कोहरा और ओस होने से देर सुबह तक यहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल शीतलहर का प्रकोप पड़ गया, जिसके चलते यहाँ पर नए साल में 3 जनवरी तक जो शीतलहर का यहाँ पर अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया। यानी नए साल यानी 3 जनवरी तक यहाँ पर दिल्ली में शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के अनुसार सरफदर्जगंज वेदशाला है, वहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री कम यानी सामान्य से 4 डिग्री कम यानी 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही यहाँ पर कल यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 8.4 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही तापमान में जबरदस्त गिरावट दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने पर शीतलहर की घोषणा भारतीय मौसम विभाग करता है और कहा है कि जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम यानी सामान्य से यहाँ पर 4.5 डिग्री से कम रहने पर शीतलहर की घोषणा की जाती है। वह दिल्ली में इससे पहले 20 और 21 दिसंबर को शीतलहर का प्रकोप था, जब न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.2 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। वही मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 3 जनवरी तक शीतलहर की भीषण यहाँ पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना जताई है। वही न्यूनतम तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस तक जाने और यहाँ पर अधिकतम तापमान में भी यहाँ पर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने अपने अपडेट में ये जानकारी दी है। वही मौसम विभाग ने सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण 4 जनवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया है, जिसके कारण 4 से 7 जनवरी के बीच जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और हिमपात हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर 5 से 7 जनवरी के बीच पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और उत्तरी यहाँ पर दिल्ली और इसके अलावा दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। ये बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में नए साल में नया पश्चिम विक्षोभ, 1 और 2 को शीतलहर और 6 से 8 जनवरी को होगी बारिश। राजस्थान में नए साल का आगाज शीतलहर और बारिश के साथ होगा। वही शुरुआत के 2 दिन तक शीतलहर का जोर रहेगा, इसके बाद यहाँ पर 3 दिन तक बारिश होगी। इधर साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को थी यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट राजस्थान में आज के लिए जारी किया गया है। इसके चलते सेकावटी में न्यूनतम तापमान फिर से 0 डिग्री पर आ सकता है। वही मौसम विभाग की माने तो नए साल में एक पश्चिम विक्षोभ है जो नया वो यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक्टिव होगा, इसके जो इसका असर है वो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते यहाँ पर 6 से 8 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश राजस्थान में होगी। वही मावठ पड़ने से किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इससे पहले राज्य के उत्तरी भागों में अगले 3 दिन तक यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। वही आज 31 दिसंबर को सेकावटी जिलों में यहाँ पर सेकावटी के जिले है वहाँ पर शीतलहर का जोर है वो अति जारी रहेगा, मतलब अति शीतलहर का जोर रहेगा। इसके चलते तापमान 0 डिग्री पर जा सकता है। इधर 3 और 4 को यहाँ पर तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी। वह 6 से 8 को यहाँ पर बरसात का जोर रहने की संभावना है, यानी बरसात होने के कारण तापमान में गिरावट होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में नवंबर और दिसंबर के दौरान करीब 6 बार पश्चिम विक्षोभ का जोर रह चुका है और मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला है। यहाँ तक कि सर्दी ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड भी राजस्थान में तोड़ा है। वह मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। वही अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री करौली का और यहाँ पर फतेहपुर का 1 डिग्री और जोबनौर का यहाँ पर जो जयपुर में है वो 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। जयपुर का 6.6 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही ये न्यूनतम तापमान है। वही प्रदेश में शीतलहर का असर सबसे ज्यादा रहेगा, जिसमें इलाकों में सबसे ज्यादा यहाँ पर झुंझुनू सीकर चूरू में अति शीतलहर का जो रहेगा, जबकि अलवर भरतपुर और धौलपुर करौली दौसा और गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में शीतलहर यहाँ पर ज्यादा रहेगी। इन इलाकों में शीतलहर का जो असर है वो ज्यादा रहने की संभावना है। वही 1 जनवरी को झुंझुनू सीकर अलवर चूरू और हनुमानगढ़ में शीतलहर जारी रहेगी। वही 2 जनवरी को झुंझुनू सीकर अलवर चूरू और हनुमानगढ़ में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है शीतलहर को लेकर। वही बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड में भी बारिश से नहीं मिलेगी राहत, 7 जनवरी के बाद फिर से होगी बारिश। झारखंड के जमशेदपुर समेत पूरे इलाके में यहाँ पर लगातार
दो दिन से बारिश के बाद ठंड बढ़ने का एहसास यहाँ पर होने लगा है। वहीं बादलों के बीच धूप छाव की स्थिति बनी हुई है। बीते 24 घंटों में जमशेदपुर शहर में 35 mm बारिश दर्ज की गई है। वह सबसे यहाँ पर ज्यादा बारिश यहाँ पर इलाके में दर्ज की गई है। वह मौसम विभाग की ओर से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि साइक्लोन का असर अब धीरे धीरे झारखंड में कमजोर हो रहा है। इसे आज उत्तरी पूर्वी जिले यानी देवघर, धनबाद, दुमका और केडाही और इसके अलावा जामतड़ा और पाकुड़ साहिबगंज में बारिश होगी। वही जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वही कुछ इलाकों में यहाँ पर दोपहर तक मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। वही बारिश के कारण नमी यहाँ पर बनी रहेगी, जिससे राज्य में सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरा और धुंध से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज से यहाँ पर 6 जनवरी तक यहाँ पर राज्य के अंदर अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वही ठंड से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। वही 7 से 13 जनवरी के बीच हल्की से मध्यम झारखंड में बारिश हो सकती है। दूसरी ओर पूर्वानुमान में ये भी बताया गया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में यहाँ पर झारखंड का अधिकतम तापमान 19 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 से 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही दूसरे हफ्ते यानी 17 से 13 जनवरी को 20 से 30 डिग्री और न्यूनतम 7 से 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की, तो बिहार में मौसम ने तोड़ा है 23 साल का रिकॉर्ड। सबसे गर्म रही है दिसंबर की रात, अब ठंड बढ़ने के हैं आसार। उत्तरी बिहार में बीती रात के तापमान पिछले 23 साल में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। दिन का तापमान 19.4 जबकि जो न्यूनतम तापमान है वो 14 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वही पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री की गिरावट हुई है। वही न्यूनतम तापमान में 5.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दोनों के बीच यहाँ पर 4.5 डिग्री का अंतर रहा। वही मौसम वैज्ञानिक गुलाब सिंह ने बताया कि बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हैं, इसे रात के तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन बादल छटने के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी बिहार में गुरुवार को यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ का असर यहाँ पर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आसमान में यहाँ पर बादल छाए रहे थे, जिसमें हल्की बारिश भी यहाँ पर हुई। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि हल्की पूर्वी हवा भी आज चलेगी, इसके बाद बारिश और जो बूंदाबांदी है वो कम होने की संभावना है, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर जो पछुआ हवा है वो यहाँ पर चलती रहेगी, जिससे आसमान में लगे बादलों के छटने की संभावना है और ठंड में वृद्धि होने की संभावना है। वही बिहार के अंदर सुबह और शाम को वक्त के वक्त यहाँ पर कोहरा छाए रहने की संभावना, अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे आ सकता है, वही न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास रह सकता है। वही कल सुबह से यहाँ पर लगातार देर रात तक कई बार इलाकों में यहाँ पर बिहार के कई इलाकों में बूंदाबांदी दर्ज की गई। बीच बीच में यहाँ पर हवा भी चलती रही, ठंड में यहाँ पर वृद्धि हुई है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में बड़ी है ठिठुरन, कड़ाके की ठंड से होगी नए साल की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई भी वेदर सिस्टम फिलहाल सक्रिय नहीं है। हवा का रुख भी लगातार उत्तरी बना हुआ है, इसी वजह से पूरे प्रदेश में जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। वही आज से शीतलहर चलने के साथ साथ नए वर्ष की शुरुआत यानी शनिवार को कड़ाके की ठंड से होने की संभावना जताई गई है। वही कल प्रदेश में सबसे कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना और ग्वालियर, सिवनी और रायसेन और धार में दर्ज किया गया है। वही सागर, धार, उज्जैन और आसपास के इलाकों में तीव्र यहाँ पर शीतल यहाँ पर दिन रहा है। वही टीकमगढ़, भोपाल और इसके अलावा यहाँ पर मंडला, सिवनी, बैतूल, गुना और खंडवा और खैरगोन, रायसेन, राजगढ़, रतलाम के अलावा छतरपुर जिले में, नौगांव और इसके अलावा खुजारों में यहाँ पर दिन शीतल रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बताया गया कि आज और कल यानी शुक्रवार और शनिवार को रायसेन, धार, सिवनी और ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर और सागर जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। ग्वालियर, छतरपुर एवं दतिया जिलों में पाला पड़ने की भी आशंका जताई गई है। वही मौसम विभाग केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि सर्द हवा के चलने से अगले 3-4 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। इस दौरान सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। वही शुक्ला के मुताबिक जब रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो यहाँ पर दिन का तापमान 6 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो तो इसे यहाँ पर शीतल दिन यहाँ पर माना जाता है। वही बात करते हैं अब तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की, तो तमिलनाडु में भारी बारिश से कई इलाकों में रेड अलर्ट हुआ है जारी। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए किया है अपडेट। मौसम विभाग ने चेन्नई यानी चेन्नई आसपास के इलाके तमिलनाडु को लेकर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु में गुरुवार को कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। बारिश के बाद राज्य की स्थिति यहाँ पर बिगड़ गई है। वही राज्य में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो गई। वही दूसरी तरफ राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला।
वही बरसात के बाद शहर में ज्यादातर सड़कें जो है वो दरिया बन गए, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वही चेन्नई की बिगड़ी स्थिति की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार रात को शहर का कई एरिया मतलब गुरुवार रात यहाँ पर शहर के एरिया में बारिश और राहत बचाव के कार्यों की समीक्षा के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के बाढ़ कंट्रोल रूम का जायजा यहाँ पर उन्होंने लिया। वही भारी बारिश को देखते हुए चार जिले जो तमिलनाडु के जहाँ पर चेतावनी जारी की गई है उसमें चेन्नई, कोचीपुरम, त्रिपुरर यहाँ पर त्रिपुरर और चंगलपेट जो जिला है इसमें यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यहाँ पर इन जिलों में अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण चेन्नई के माउंट रोड में भारी बारिश के कारण ट्रैफिक जो जाम है वो देखने को मिला है। वही चेन्नई मेट्रो ने यहाँ पर बारिश के मद्देनजर बताया कि यात्रियों को अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए सर्विस टाइम को 1 घंटे बढ़ाकर 12 बजे करने का यहाँ पर घोषणा की है। वही बात करते हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के मौसम समाचारों की, तो दिल्ली में 3 जनवरी तक शीतलहर जारी रहने के आसार मौसम विभाग ने दी है जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया, जिसके चलते 3 जनवरी तक जारी ये शीतलहर रहने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के अनुसार सरपरदगंज वैदेशाला में न्यूनतम तापमान जो है वो यहाँ पर 4 डिग्री से कम यानी 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। वही गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया था। वही दिल्ली के आयानगर और नारेला में स्वचालित मौसम केंद्रों की ओर से यहाँ पर कहा गया है कि न्यूनतम तापमान क्रमांश यहाँ पर 3.8 डिग्री सेल्सियस और 3.2 डिग्री के आसपास दर्ज यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने पर शीतलहर की घोषणा यहाँ पर मौसम विभाग करता है।